वैधानिक चेतावनी, अगर आप सच सुनने की हिम्मत नहीं रखते तो यह वीडियो आपके लिए नहीं है। वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले तथा हमारे टेलीग्राम चैनल और ग्रुप को अधिक से अधिक संख्या में ज्वाइन करें। यदि आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो पैट्रियन एंड यूपीआई आईडी का लिंक तथा टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद। दोस्तों, एक प्रोफेशनल स्कैमर वह स्कैमर होता है जो कि लास्ट टाइम तक ऐसा प्रयास करता है कि उसका जो स्कैम है वो मार्केट में एक्सपोज ही ना हो, लोगों को उसके स्कैम के बारे में पता ही ना लगे। राइट, सेम यही काम अभी हाइपरवर्स के जो टॉप के प्रमोटर है वह कर रहे हैं, क्योंकि मेरी नजर में स्कैमर है। जिस दिन से कल्पेश पटेल ने खुद को हाइपरवर्स से हटाया है, हाइपरवर्स को साइड किया है, उस दिन से मार्केट में ऐसे बहुत सारे नमूने निकल कर आए हैं, क्योंकि ऐसा प्रॉमिस कर रहे हैं अपनी टीम से कि हम दुबई जाकर मैनेजमेंट से मिलकर आए हैं, कुछ करें हम मिलकर आएंगे, जूम मीटिंग कर रहे हैं और लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप पैनिक ना हो, मार्केट डाउन है इसलिए विड्रॉल नहीं मिल रहा। राइट, MOF को लेकर बहुत सी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। मैं आप सभी को बता दूं, सेम यही बात मैं आज से कुछ महीने पहले बोलता था कि यदि मार्केट डाउन हो गई तो कैसे देंगे आप, 3x कैसे देंगे। राइट, 4x जिस वक्त आया उस वक्त ही मेरी बहुत से लोगों से बात हुई, मैंने यही बोला कि ठीक है आप कमीशन कम दे रहे हैं, अच्छी बात है, क्योंकि आपको एहसास हो गया कि आप 3x प्लान को नहीं चला सकते ज़्यादा, वो आपके बस की बात नहीं। लेकिन सवाल ये है, जो 4x था उसमें भी आप जो प्रॉमिस कर रहे हैं वो कैसे देंगे अगर मार्केट डाउन हो गया। तो कुछ यहाँ पे बुद्धिजीवियों का ऐसा कहना था कि उसमें सैम ली का रियांजु का दिमाग काम करता है, आपके बस की बात नहीं है। आज क्या हो रहा है, आज वही तो हो रहा है, आज यही तो हो रहा है। आज आपके प्रमोटर यही तो कह रहे हैं कि जी मार्केट डाउन है इसलिए थोड़ा सा सब्र करो। राइट, और एक बात, ये सभी जो है जितने भी स्कैमर है हाइपरटेक ग्रुप के, ये ऑस्ट्रेलिया छोड़कर अब दुबई की तरफ भाग रहे हैं। क्यों? वो स्कैमर्स का अड्डा है, समझो इस बात को। मिलियंस ऑफ डॉलर का लॉस हो चुका है इनको, ऐसे बहुत सारे ई पोर्टल है जहां पर कि इस न्यूज़ को छापा गया है। राइट, हाइपरटेक ग्रुप की बैंड बच चुकी है। अगर आप लोगों को यकीन नहीं है तो एक बार ब्लॉकचेन ग्लोबल की डिटेल चेक करो, ऑस्ट्रेलियन जो ई पोर्टल है उन पे जाके एक बार स्टडी करो कि एक्चुअल में जो मैं बोल रहा हूँ उसमें कितनी सच्चाई है। आपको क्या लगता है कल्पेश पटेल पागल था जो कमा रहा था और फिर भी साइड हो गया? नहीं, एक्चुअल में उसको पता लग गया कल्पेश पटेल को कि अब ये बड़े लेवल का बवाल होने वाला, मैं फंस जाऊँगा, तो इसलिए उसने खुद को साइड कर लिया। नहीं तो एक बात खुद सोचो, जो व्यक्ति अपनी नटवर्ट की ट्रेनिंग में ऐसा बोलता हुआ आके कि ये लोग पिछले दसियों सालों से काम कर रहे हैं, इन लोगों ने बहुत से देशों की गवर्नमेंट को बताया कि एक्चुअल में ब्लॉकचेन क्या है, राइट, वो व्यक्ति हाइपरवर्स से खुद को साइड कर लेता है। क्यों, ऐसा क्यों? खुद सोचो जरा दिमाग लगा के। राइट, और ये जो तुम जितने भी ये नमूने हैं जो कि अभी कल्पेश पटेल को गालियां दे रहे हैं, तुम समझो इस बात को, वो भी व्यक्ति स्कैमर है, ऐसा नहीं वो दूध का धुला हुआ, लेकिन उसने इस गहराई को समझ लिया। अभी ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जो कि हाइपरवर्स को बचाने के लिए वीडियो बना रहे हैं। जब मैं किसी की वीडियो में जाके एक आधे कमेंट करता हूँ कि आपको इसका पता है, तो कहते हैं कि आप एक काम करो, इसकी डिटेल आप हमें दे दो। जब पता ही नहीं है तो तुम प्रमोट क्यों कर रहे हो? राइट, पता ही नहीं है तो प्रमोट क्यों कर रहे हो? और एक व्यक्ति तो यहाँ तक कह रहा है कि भैया मेरी कोई आईडी नहीं है, मैंने कभी प्रमोट नहीं किया, मैं तो ऐसे वीडियो बनाता था जानकारी के लिए। ये लोग धीरे 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 खुद को साइड कर रहे हैं। राइट, समझो इस बात को, समझो आपका पैसा डूब चुका है, लगभग डूब चुका है। अगर आपको बात समझ आती है तो सही है। और एक बात, वो जो CEO बना के बैठा रखा है ना, जो कि ट्विटर पे आके ज्ञान देता है फिर किसी के सवाल का जवाब भी नहीं देता, ये एक्चुअल में आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए बैठा रखा है। वो क्या है, वो एक कार्टून की तरह काम कर रहा है फ्रंट पे आके। राइट, और आपके ग्रुप में जो विड्रॉल के स्क्रीनशॉट चलते हैं ना, कभी ट्विटर पे जाके चेक करो, एक आपका प्रमोटर है संजू, ठीक है, जो कि ग्रुप में बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है, ट्विटर पे जाके लोगों से बोलता है कि आपकी टीम में विड्रॉल हुआ, ठीक है, कृपया मुझे उसका प्रूफ देता कि मैं अपनी टीम में शेयर करूँ, ऐसे काम करता है ये। राइट, तो समझो आप लोग इसकी गहराई को, समझो ये आपको मिलकर सभी बेवकूफ़ बना रहे हैं। आपका पैसा निकलता है तो निकाल लो, निकलता है तो निकाल लो, बस यही बहुत बड़ी बात है। बाकी मार्केट डाउन है नहीं है इसमें मत पड़ो। राइट, इसमें मत पड़ो। जब कोई भी व्यक्ति कुछ पैसा देने का प्रॉमिस करता है, ठीक है, तो वो इन बातों को ध्यान में रखता है कि मार्केट डाउन भी हो सकता है, ये एक छोटी सी कॉमन सेंस वाली बात है। पर ये अगर अभी भी लोगों के समझ नहीं आती तो फिर तो भैया उनका ऊपर वाला मालिक है। राइट, और ये जो भी व्यक्ति है ना जो बोल के आ रहे हैं कि हम दुबई में मिलकर आए हैं, ठीक है, और हम इससे मिले उससे मिले, एक बात याद रखो मेरी, आप ये भारत में इलीगल वर्क है, गैर कानूनी काम है, ये भारत में ये रजिस्टर्ड नहीं है। राइट, और IPO की तो अब ये बात करेंगे नहीं क्योंकि ये इनके बस की नहीं है, तो इसलिए गैर कानूनी काम है। जिस मर्जी फन्ने का तुर्रम कहाँ से मिले आए, जिस दिन कोई व्यक्ति आपके पीछे पड़ गया इसका, वो इन्वेस्टर, क्योंकि मैंने तो इन्वेस्ट किया नहीं, ठीक है, मैं ऐसे स्कैम प्लान में फंसता नहीं, उस दिन आप सभी की बैंड बजने वाली है, बहुत गंदे तरीके से फंसोगे जितने भी स्कैमर है। राइट, और ज़्यादातर तो वो हैं जो कि दुबई जा चुके हैं या फिर चले जाएंगे। तो आप वो जो नीचे लेवल पे काम कर रहे हैं ना, इस बात को समझ जाए आप लोग, खुद से रिसर्च करें। क्या बोलते थे, अरे सर्च करके आओ, तो भैया रिसर्च ही कर लो,
राइट, रिसर्च कर लो, ये लोग आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। कोशिश करो अपना पैसा निकाल लो बस और साइड हो जाओ, राइट। बाकी वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, अधिक से अधिक ऐसे मित्रों में शेयर करें जो आज भी इसको एक रियल प्लान मानते हैं। आपने अपना महत्वपूर्ण समय दिया, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।